वेलकम गाइस, आईटीएल पर वीडियो में आसुस का फ़ोन। इसमें अगर आपको हैंग टच की प्रॉब्लम आ गई तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे मैं बताया था, बहुत इजी है और सेम स्टेप आपको फॉलो करना है। अभी मैं टच चलाऊंगा तो टच प्रॉपर हैंग है। ये देखें, ये बस बॉक्स बनकर आ रहा है। ये देखें, ये बस बॉक्स बनकर आ रहा है और इसमें हम कुछ भी कर नहीं पा रहे क्योंकि खाली ये बॉक्स वाला ऑप्शन आ रहा है, इसमें और कुछ नहीं हो रहा। देखो हम टच कहीं से, बस ये ऐसे हैंग कर रहा है, देखो कभी इधर कभी उधर। ये देखो, तो इस सिचुएशन में आपको जो है टू फिंगर का यूज़ करना है। टू फिंगर चलाएंगे तो टच वर्क करेगी। तो इसको सेटिंग वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस पर डबल प्रेस करना है, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम नीचे जाएंगे डाउन साइड पे और टू फिंगर से यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी वाला ऑप्शन मिलेगा, इसे आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस पर हम डबल प्रेस कर देंगे। अब ऊपर देखें, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू, सेलेक्ट टू स्पीक, स्विच एक्सेस, सिस्टम यूआई और टोल बैक। तो हमारा जो टोल बैक है इसे हम सेलेक्ट करेंगे। 390 किसके नाम से समझ फोन करो। यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे हम डबल प्रेस कर देंगे। फिर हम इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर हम इसे डबल प्रेस करके इसे ऑफ कर देंगे। यहाँ से स्टॉप का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट करके से स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह से गाइस हमारी टच जो है अब नॉर्मल वर्क करेगी सिंगल फिंगर से। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।